कहते हैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जिस काम से भी आपके परिवार का खर्चा निकल जाए वही बड़ा और सबसे बढ़िया काम होता है। जी हाँ, इंटरनेट ने दुनिया को बदला है तो काम करने के तरीके भी बदल गए हैं। आजकल एक नहीं ऐसे कई ऑनलाइन बिजनेस हैं जिन्हें आप घर बैठे बैठे आसानी से शुरू कर सकते हैं। डेली स्टार में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान सबक लेते हुए थाईलैंड के एक किसान ने आपदा में ऐसा अवसर तलाशा है कि वो अपने खेत में सैलानियों को घंटे भर टिकाने के लिए 2500 रुपए वसूल रहा है। ये किसान आम बिजनेस आइडिया वाली लीक से अलग हटकर शुद्ध हवा बेच रहा है। इस किसान ने घंटे भर धान के खेत में हवा खाने और सांस लेने का पैकेज लोगों के सामने रखा है। 52 साल के इस किसान के पास हेलफायर पास एरिया में काफी प्रॉपर्टी है जो शिमला और मनाली जैसी खूबसूरत है, जहां वो धान की पैदावार करता है। इस पेशेवर काम के साथ साथ उसने अपने खेत में कैंपिंग एरिया बना दिया है, जहां किसान का दावा है कि ये अकेली ऐसी जगह है जहां देश भर की सबसे ताजी और शुद्ध हवा मौजूद है। ऐसे में वो लोगों को अपने कैंप में एक घंटा ठहरने के लिए 1000 बाट यानी भारतीय मुद्रा में करीब 2500 रुपए चार्ज करता है। एक घंटे के पैकेज में आप लंच या डिनर भी कर सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप यहाँ कितनी देर रुकना चाहेंगे। एशियन लाइफ सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी दुसित का ये आइडिया काफी लोकप्रिय हो रहा है। दुसित अपने खेत में आने वाले बच्चों और दिव्यांगों से पैसे नहीं लेते हैं। इतना ही नहीं, आसपास के शहरों से आने वाले लोकल लोगों से यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लिया जाता है।